जी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम ये खान साहब की रैली के बारे में आप क्या कहेंगे, ये 14 मई को लैश क्यों नहीं करवा रहे? ये देखें जी, अब वो उसी की खातर सब सड़कों पर है कि ये आइन की इस मुल्क में धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जो गवर्नमेंट है, ये जो पीडीएम है, ये आइन को इन्होंने एक कागज का रद्दी का टुकड़ा समझ के इन्होंने बिन में फेंक दिया है। उसके लिए हम सारी आवाम बाहर आए कि आइन को बचाएंगे, इलेक्शन कराएंगे और उस मुल्क को लेके आगे इंशाल्लाह ताला निकलेंगे खान साहब। और हमने आइन के लिए, आइन के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। और ये अगर 14 मई को लैश नहीं करवाते तो फिर इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगी जो आज से शुरू हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कुछ कहेंगे जी? बिल्कुल, खान साहब के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। उनसे बेहतर लीडर पाकिस्तान को नहीं मिला कायदे आजम और जना के बाद। ये हमारे हकूक के लिए खड़े हुए हैं और हमारी गुजारिश है पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो। ये आज आइन के लिए, हकूक के लिए खड़े हुए हैं। ये आपका और मेरा हक है जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये पूरी कौम की लड़ाई है जिसको लीड खान साहब कर रहे हैं। और ये खान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े? बिल्कुल, खान साहब के इस्तकबाल के लिए। खान साहब हमारे लिए गोली खा सकते हैं, वो इस तकलीफ में व्हीलचेयर पे वो आ गए हमें, उस पर अगर वो अपना आइन को सबसे ऊपर रखते हैं और फिर भी इस्लामाबाद जाते हैं तो हम उनके लिए जान देने के लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया।